भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सौगात देकर विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। शाम 6 बजे ग्राम जामनिया पहुंचे। श्री चौहान ने कहा कि बेड़िया में डिग्री कॉलेज के लिए क्षेत्रीय विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी ने उच्च शिक्षा मंत्री से बात की है। यहाँ जल्द कॉलेज खोलने की घोषणा की गई, जिससे बेड़िया का नाम रोशन होगा। साथ ही कहा कि आदिवासी क्षेत्र में गरीबों को ध्यान में रखते हुए बिजली सड़क बना रहे हैं। पीएम आवास में इसी ग्राम में 44 और मकान बनेंगे। वहीं विधायक सोलंकी ने कहा कि जामनिया में शुक्रवार को जनपद स्तर का कैंप लगेगा, जिसमें किसी को भी समस्या हो तो लिखित में जरूर दे, उनकी समस्याओं का निराकरण जल्द करेंगे। समीप भोगावा सिपानी में 5-5 लाख से बने राजपूत और कहार समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। वहीं भोगावा सिपानी में बाकुड़ नदी पर PWD से 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का भूमि पूजन किया गया, एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 84 लाख की लागत जामनिया से लोछारा तक मार्ग का भूमि पूजन किया गया। वहीं श्री चौहान ने बेड़िया को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि बेड़िया में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहने देंगे। मालूम हो कि इससे पहले कॉलेज के लिए विद्यार्थियों को 17 किलोमीटर दूर सनावत जाना पड़ता था, लेकिन अब कॉलेज खुलने से यह सुविधाएं यहीं पर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, बेड़िया। श्री काले की घोषणा हुई है, सुनने में आया। हमारे बड़वा के लोकप्रिय विधायक जितेंद्र सिंह जी सोलंकी ने बेड़िया में महाविद्यालय खुले, इसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया है और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री से उनकी बात हुई है। इस वर्ष इस बजट में हमारे बेड़िया का महाविद्यालय बजट में शामिल होकर नए शिक्षा सत्र से प्रारंभ होगा। सर, बेड़िया ग्राम पंचायत को नगर पंचायत की घोषणा, सर क्या कहेंगे आप इसमें? अब वो सब लोगों की जैसी इच्छा हो वैसा करेंगे, आबादी कितनी है वो देखा जाएगा। सर, बेड़िया में ITI प्रस्तावित, उसको सेल्डा में सुनने में आया, कर दिया क्या है? बेड़िया और सेल्डा एक है यार, ऐसा इतने छोटे छोटे। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी माँ नर्मदा मेकल सेवा